चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन का लॉन्च करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है सूरज का अध्ययन करना। ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जो सूरज की तरफ दिशा निर्देशित होगा। मिशन में अंतरिक्षयान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर जाकर सूर्य का अध्ययन करेगा जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस मिशन के लिए अंतरिक्षयान में 7 पेलोड्स लगाए गए हैं जो कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। ये मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे हम अंतरिक्ष में सूर्य के रहस्यों को समझ पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जर्मन एरोस्पेस सेंटर और नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में मिशन भेजा था। तो चलिए इस वीडियो में आपको इन मिशन के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अब तक सूरज के बारे में हम क्या जान पाए हैं। नासा ने अभी तक 3 मेजर सन मिशन लॉन्च किए हैं, सोहो मतलब कि सोलर एंड हेलियोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी, पार्कर सोलर प्रोब एंड आयरिस यानी कि इंटरफेस रीजन इमेजिनिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। इसके अलावा नासा ने कई अन्य सूर्य मिशन भेजे हैं जिनमें S, विंड, हिनोड, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी और स्टीरियो शामिल हैं। सोहो मिशन को नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर लॉन्च किया था। पार्कर सोलर प्रोब ने 4 साल से सूर्य की सतह के सबसे करीब चक्कर लगाना शुरू किया है और आयरिस सूर्य की सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें कैप्चर कर रहा है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन अब तक का सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान है। चलिए अब आपको बताते हैं सूर्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नासा के अनुसार सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र के स्थित हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त एक चमकता तारा है जिसकी उम्र लगभग 4.5 अरब ईयर्स पहले की है। ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य का आयतन 13 लाख पृथ्वी आयतन के बराबर होता है और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। इसका मतलब है कि सूर्य के चारों ओर बड़े बड़े ग्रहों से लेकर किसी अंतरिक्ष यान के छोटे से अंश तक सभी को सूर्य की ग्रेविटी ही वहां रहने देती है। सूर्य में अधिकतम तापमान उसके केंद्र में होता है जहां का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से निकलने वाली रोशनी को 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य की सतह ठोस नहीं है यानी कि पृथ्वी की तरह नहीं है बल्कि ये हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों से बना हुआ है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसके कारण इसकी रफ्तार अलग अलग स्थानों पर अलग हो जाती है। सूर्य में परमाणु फ्यूजन के विस्फोट गैस को बाहर की ओर से फेंकते हैं। यही वो बल है जिससे सूर्य एक बिंदु में सिमट के नहीं रह जाता है बल्कि फैला हुआ रहता है। खैर, अब आदित्य L1 मिशन इसमें क्या अपडेट्स लेकर आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आप इसे लेके एक्साइटेड है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए ABP Live।